डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैंने एक सिरे से सारे हेट स्पीच गिनाए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के, गोली मारो सालों से लेकर और बाकी संगीत सोम के हथियार उठाने की आह्वान तक। आजम खान बजवानी थे, करते थे और शालीनता के परे जाके बात करते थे, नहीं करना चाहिए लोकतंत्र में। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मुझे बहुत अच्छा बयान लगा उनका। तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया कि ये सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए आंख खोलने वाला फैसला है कि सत्ता में भी अगर आप हो और विपक्ष में भी आप हो, अगर आपकी भाषा संयत नहीं है तो इस तरह के फैसले आ सकते हैं। लेकिन क्या लगता है, जो मैंने लिस्ट गिनाई है, जैसे भाई बीजेपी के तमाम सांसद विधायक मंत्री शामिल हैं, क्या एमपी एमएलए कोर्ट में इतनी जल्दी फैसला आ पाएगा? क्या इस तरह सजा हो पाएंगी या जज साहब थोड़ा ठंडा पानी पी के थोड़े ठंडे हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? जी, जो आपकी चिंता है या जो अंदेशा इस देश में जो भी लोग थोड़ा दूर से देख रहे हैं, तटस्थ होकर देख रहे हैं, उन सबको इस बात के लिए पूरा भरोसा है कि जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं वो कभी कभार बीच बीच में ऐसे फैसले देते हैं जिससे इतना भरोसा कायम रहे कि एकदम से भरोसा खत्म ना हो जाए। लोकतंत्र भी थोड़ा बचा है, न्यायपालिका भी बची है, कभी कभी मीडिया भी बड़ी अच्छी अच्छी बात कर देता है। और मैं देख रहा हूँ इस समय संजय जी, एक जैसे रील्स का माहौल है ना, तो आप छोटी सी रील्स उन एंकरों की मैंने जब देखी जो दिन रात 24/7 हमेशा एकदम सरकार का गुणगान गा के विपक्ष पर हमलावर होते हैं, कभी कभार जब वो एक सवाल पूछ देते हैं सरकार के लोगों से तो अचानक से उसी एंकर को ग्लैमराइज किया जाता है कि देखो कितने तटस्थ हो गए, न्यायप्रिय हो गए। मुझे लगता है कि वो जो सिंबल है ना, पता नहीं, मैं इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को शायद कुछ कुछ वैसा देख रहा हूं, एक आध फैसला कोई आ जाएगा ऐसा जिससे उम्मीद बनी रहे। बिल्कुल भरोसा अगर खत्म हो गया तो फिर तो वो संस्थाएं कोलैप्स कर जाएंगी या फिर जनता किसी दिन उसको दूसरे ढंग से सवाल करना शुरू कर देगी। एक तो ये बात है, इसलिए मैं आपके सवाल के पहले सवाल का जवाब तो यही है कि ये बहुत मुश्किल भरा है कि लोग इस हद तक चले जाएं। और मुझे लगता है कि आपका इंट्रो ही अगर जज साहब सुन लें, मैं अभी सुन रहा था सिलसिलेवार, मुझे लगा कि आपसे बातचीत करना है तो दो चार बयान मैं खोज लूं, हालांकि बयान तो जग जाहिर है तो दो चार बयान खोज लूं, आपने वो खोज करके पूरे इंट्रो में रख दिया। अब अगर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति है तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार दिल्ली दंगा था, दिल्ली दंगे का ही मामला चल रहा था अभी कुछ ही दिन पहले, दिल्ली दंगे के मामले में कोर्ट में सुनवाई होते हुए जज साहब ने पूछा कि भाई आपने ये हेट स्पीच दी के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया, इन्होंने तो ये बयान दिया। तो सरकारी वकील ने कहा कि हमें वो बयान पता नहीं है। तो जज ने कहा क्या बात करते हो, पूरे देश और दुनिया को वो बयान पता है। और फिर उस जज ने दिल्ली में उस बयान को अपने आ, आ, अपने सुनवाई के दौरान पब्लिक में चलवाया, वहीं चलवाया और कहा कि आपको नहीं पता तो हम दे देते हैं। क्या हुआ इस मामले का, उस दिन वो जज बहुत अच्छा काम किए थे। वो जो निजी निजी स्तर पर कई बार कोई लोग कुछ अच्छा कर देते हैं ना, उससे उस संस्थान में पता नहीं कितना भरोसा पैदा होगा। ये चुनौती है इस लोकतंत्र के लिए। भाई वो जज तो बड़े अच्छे थे, एक दो चार फैसले आ जाते हैं, इसलिए इस पूरे मामले में। और दूसरी बात, राजनीति बिल्कुल बीजेपी आरएसएस इस कदर राजनीति कर रही है कि दिल्ली में स्कूल कॉलेज और शिक्षा की बात करने वाले पढ़े लिखे आईआईटी से रिटर्न लोगों को नोट पर लक्ष्मी और गणेश की बात करनी पड़ जा रही है। बीजेपी की राजनीति है, देखिए आरएसएस की राजनीति है, कई कई लोगों के चेहरे उतार दे रही है। भाई कल को तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे तो सरस्वती का फोटो वाला किताब ले आओ, क्योंकि आप सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, आप पार्टी में डिफरेंस आए थे। इसलिए बीजेपी ने एक मैसेज देने का काम क्लियर कर दिया है, बीजेपी एकदम साफ संदेश देने में। अब वो सिलसिलेवार आपने गिना दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं केवल अपनी एक टिप्पणी छोटी सी करना चाह रहा हूं। इसी देश में बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल में रहे, आजीवन कारावास रहा, बड़े संगीन मुकदमे रहे, केंद्र ने राज्यों के ऊपर एक नियमावली प्रेषित की थी कि इन इन धाराओं में अगर इन इन मुकदमों में कोई अगर बंद है तो जेल से रिहा नहीं किया सकता। फिर भी वो जेल से रिहा किए गए और उसके बाद फूल मालाओं से स्वागत हुआ और इस मुल्क में
एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। कहाँ है न्यायपालिका, कहाँ है भरोसा? इसलिए क्योंकि गुजरात में चुनाव लड़ना है और एक तबका अब ऐसा है, पता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ संजय जी, जब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो अब कल परसों से आज से एक मन में चिंता है, क्या हमारा भारतीय जनमानस इस कदर सांप्रदायिक हो गया है कि अब इस तरह की राजनीति से उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है? इसलिए क्या आप वो जो संदेश देना चाह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, वो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, और यही संदेश है कि अगर नफरत का बयान देने वाला एक मुसलमान है तो वो तुरंत जेल में जाएगा, एक दलित है तो वारबन नक्सल बन करके 2 साल से जेल में, उमर खालिद तो आज भी जेल में है भाई। और एक दिलचस्प चीज बता दूं, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं और ये बात यहीं से सोचें लोग, अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है, मैं डेट तो गूगल करके बताई जा सकती है, चंद दिनों की बात होगी, हफ्ते 10 दिन के भीतर का मामला है, उमर खालिद के केस पर सुनवाई करते हुए एक खबर निकल करके आई कि कहा यह गया कि इंकलाब जिंदाबाद और क्रांतिकारी इस्तकबाल, ये 2 लफ्ज उमर खालिद ने अपने बयान, अपने उस भाषण की शुरुआत में दिए जिससे माहौल खराब हो सकता था, जिससे वो दंगा भड़क सकता था, या जो 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 मतलब जेल जेल में जाने डालने लायक पर्याप्त है। मैं तब से चिंतित हूं कि भाई हम कौन सी बात बोल लें, भाई कल को किस बात से आपकी भावना आहत हो रही है तो हम जानते ही नहीं। नहीं यार, और मैं तो पिछले दिनों कानपुर गया था और कानपुर वालों ने बुलाया कि साहब यार रावण मेला लगता है, आप चीफ गेस्ट होंगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बहुत चल रहे हैं क्यों? और जब मैं वहां जाके पता चला और मैं जाने की तैयारी में गया तो पता चला कि दर्जन भर से अधिक इस देश में आज भी रावण के मंदिर हैं, रावण को मानने वाले लोग हैं। अब अगर मैं वहां पर कोई बात, और मैं आंकड़े के साथ बोला, पता नहीं अब बची हुई है नजर हम लोगों से, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना कि किस बात पर जेल में डाल दिया जाएगा। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े एक अलग केस है, भीमा कोरेगांव और वो सारा केस है, प्रोफेसर हनी बाबू और जी जी साई बाबा हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, साई बाबा को हाई कोर्ट से बेल मिल गई और जैसे ही बेल मिली तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अभी तक आरोप साबित नहीं, ये लोग पीएम को मारने की साजिश कर रहे थे। ठीक है, मैं कह रहा हूं न्यायपालिका इसका जांच करे, मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं कि वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन प्रोफेसर हैनी बाबू के मामले में मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उसमें तो तमाम डेटा इनबिल्ट कर दिया गया, कैसे हम निष्पक्षता की बात करें? तो ये कितने निष्पक्ष होंगे और कौन कौन से लोग, भाई इस समय ट्विटर पर देख लीजिए दिन रात गालियां देने वाले कौन लोग हैं, और नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और बड़ी केंद्रीय मंत्री मीडिया पर बैठकर उनका उनका एक बड़ा आखिरी याद दिला दूं, बचाव कैसे किया था अपने लोगों का, जब कहा गया कि भाई आपका कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा था कि देश के गद्दारों को, तो प्रवक्ता बैठकर टीवी पे बोल रहा है कि भाई उतने उन्होंने तो इतना ही कहा, गोली मारो या जूते मारो ये तो जनता ने कहा। जब आप इस लेवल पर जाकर लोगों को डिफेंड कर रहे हैं तो मैसेज क्लियर है। संजय जी, मैं केवल एक चीज पर नजर डाल पा रहा हूं अभी, संदेश देने की राजनीति है। आजम खान बहुत ठीक है, आप आजम खान की बातों से असहमत हो सकते हैं, उनकी भाषा खराब हो सकती है जेल में, लेकिन आजम खान जाएंगे, अभी जेल से निकल के आए फिर जेल में जाएंगे, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बने, आजम खान अगली बार मुख्यमंत्री अगर बने, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, इस माहौल में वो सर्वाइवल करना मुश्किल है मुसलमान का, वो क्या क्या होगा, लेकिन बने तो इन लोगों को पहला काम ये करना चाहिए कि पहले मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर सारे मुकदमे खुद ही वापस करा लेना चाहिए, किसी और से नहीं वो करना चाहिए, इसलिए क्योंकि संदेश स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि संजय जी कोई कोई न्याय का कोई बहुत, अगर न्यायपालिका के लोग, हमारे देश की जुडिशरी ऐसा कोई संदेश देने में कामयाब हो पाए इस देश के आवाम को कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री विधायक सांसद पर अगर एक दिन की भी सुनवाई करके उनको जेल में डाल सकें, एक की कोई एक मुकदमा, कोई एक व्यक्ति, सबको तो ये जेल में डाल ही नहीं पाएंगे, आधा तो सरकार में से लोग चले जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो ये मेरी टिप्पणी है। मुझे मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होना चाहिए लेकिन भरोसा बहुत कम है। लक्ष्मण जी, जो आपने रील की बात करी, मैं कल देख रहा था, मैंने उसमें वीडियो भी बोला, रूपका लियाकत जी शो कर रही थी दीपोत्सव का अयोध्या में, सारी गोदी मीडिया वहां पहुंची हुई थी, तो एक पैरल खड़ा आता है और रूपका लियाकत जी की मुझे या अल्लाह निकलता है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है भाई, जिस धार्मिक मजहब में जो आदमी बचपन में पढ़ा है तो अगर गिरेगा, चोट लगेगा, खुशी होगी तो या अल्लाह तेरा शुक्र हम बच के, कहेगा कहेगा, लेकिन फिर उनको लगा कि वो लाइव है इस समय और समय अल्लाह से ज्यादा राम की जरूरत है, तो उन्होंने फिर राम का भी शुक्रिया किया
कि भगवान राम का शुक्रिया अच्छा है। और मैंने तो ट्वीट किया कि आज रूप का लियाकत जी को यही संदेश अब देश में देखना चाहिए कि अल्लाह और राम एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। तो जो आपके मुंह से अल्लाह और राम दुख के झटके से निकला, तो देखो थोड़ा टो रही, मतलब उन्होंने फिर बाद में उन्होंने अपनी गर्दन पे उसको उर्दू में क्या लिखा था कासिम जी, मैं उर्दू जानता नहीं इसलिए, अल्लाह ही लिखा था ना कासिम जी, क्या लिखा था नहीं, उन्होंने? उन्होंने अपना नाम उर्दू में लिखवाया था, रूबिका लियाकत। अच्छा तो मैं उर्दू जानता नहीं, तो उन्होंने गर्दन पे लिखाया था उसको, वो फोटो भी ट्वीट किया। लक्ष्मण जी, जिस मीडिया की से उम्मीद थी देश में भाईचारा कायम करने की, और मीडिया का जो पहला लेसन हमको सिखाया गया था, हम लोग तो जो पत्रकारिता करते थे उस समय में बिल्कुल नए नए थे, तो वो दंगे वंगे होते थे, तो ये कहा गया था जो अच्छे संपादक होते थे कि कोई मर गया उसका नाम भी मत लिखिए, जिससे समुदाय पता ना चल जाए कि किस समुदाय का था। अब आजकल तो वो मुसलमानों ने इतना किया, हिंदुओं ने इतना किया, ये सब लिखा जाता है। तो लक्ष्मण जी, क्या लगता है कि ये जो हेट स्पीच है जो फैली है, नेताओं के इस हेट स्पीच को मंच क्या गोदी मीडिया ने दिया, और क्या इन गोदी मीडिया को समझ में आएगा कि अब दायरा, अब आंच उन तक भी पहुंचेगी? नहीं, मीडिया से तो आप हैं तो आप बखूबी जानते हैं संजय जी, हमसे ज्यादा अनुभव आपका है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोर में, केंद्र में दोषी मीडिया नहीं है। मीडिया तो एक टूल है उन उन हुक्मरानों का, जो हुक्मरान इस मुल्क पे बैठे हुए हैं, जो जो हुकूमत कर रहे हैं। मसलन ये मीडिया घराने, और 90 के बाद कैसे मीडिया आया, कौन से चैनल थे, सरकारी चैनल कैसे कैसे आए, प्राइवेट चैनल जब आने शुरू हुए, और 2014 के पहले तक मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि 2013 में जाते जाते दो घराने 80% मीडिया हाउसेस को खरीद चुके थे, जो 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 केंद्र में चुनी गई सरकार है उसके चुनाव प्रचार में जिन पर आरोप है कि उन्होंने सबसे ज्यादा 80% खर्चा तो उन्होंने ही उठाया था। मुझे पूंजी का एक रिश्ता दिख रहा है, वो पूंजी का रिश्ता हुक्मरानों से लेकर के मीडिया घरानों तक दिख रहा है, और जैसे हुक्मरान चाहते हैं, चूंकि उनका पैसा वहां लगा हुआ है, तो ये सारे लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अब चूंकि ओहदा बड़ा है, इससे लोकप्रियता मिलती है। आपके पास, आप सोचिए ना कि मतलब 4 PM एक ऐसा चैनल हो, अब आपके चैनल को तो बहुत गंभीर लोग देखते होंगे, कमेंट तो कई बार हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, कैसे दूसरे खेमे का प्रतिक्रिया का कमेंट आता है, लेकिन बहुत सारे लोग भरोसे से देखते हैं। लेकिन एक मीडिया घराने में जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि ऑन एयर आप इस समय देश के लाखों ड्राइंग रूम में आपकी आवाज गूंज रही है, आपका चेहरा दिख रहा है, ये जो सुपर ईगो है ना, ये बहुत कुछ समझौता करा देता है। वो समझौता इस कदर होता है कि एक मीडिया घराने में अगर कम सैलरी मिल रही हो सकता है कि कोई जज कह दे कि भाई ये एंकर दोषी है, इसने जहर फैलाया, एंकर जो मीडिया घराना बदल लेता है, फिर जहर उतर जाता है। केवल बीजेपी ही वॉशिंग मशीन नहीं है, बहुत सारी वॉशिंग मशीन इसमें बन गई। इसलिए मीडिया तो मैं दूसरे, जिस दिन अगर इस मुल्क की आवाम, जैसे किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, छात्रों के आंदोलन हो, जन आंदोलनों में जैसे ये मीडिया वाले अपने अपने माइक लेकर जाते हैं, इनको क्या नारे सुनने को मिलते हैं, जेएनयू से भगाए गए, किसान आंदोलन में इनको क्या कहा गया, किसानों ने कैसे क्या क्या कहा, मंच पे नहीं जा सकते थे। मुझे लगता है कि आपने क्रेडिबिलिटी खो दी है, तो मीडिया से क्या शिकायत करना, वो तो जग जाहिर हो गया है। मीडिया, वो एक शेर था ना कि पहले छप के बिका करते थे अखबार, अब बिक करके छपा करते हैं, तो वो जो कलम बिक गई है ना, उससे तो ये लोग नौकरी कर रहे हैं। हाँ, इन्हें पता नहीं कि मतलब घर में जाते होंगे। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बड़े बड़े एंकर जो कहते हैं कि धर्म खतरे में है, संस्कृत में पढ़ाना चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, अरे भाई आप अपने बच्चों और अपने ऊपर ये बात क्यों नहीं अप्लाई करते? आपके घर करोड़ों के होते हैं, आप लाखों की गाड़ियों में चलते हैं, लाखों के पैकेज पे आपकी नौकरी है, आप बहुत सुरक्षित हैं, और इस मुल्क का 90% आवाम आपके नफरती बयानों से अपनी राय बना ले रहा है। आप एक झूठ फैलाते हैं वो, और शिक्षा खत्म कर दी गई तो वो काउंटर चेक नहीं कर सकता, तो वो तो आपसे राय बना रहा है, आपको पता नहीं कि आप कितना जहर बोल रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ किया करवाया जा रहा है उन उन मुल्क के निजामों से जिनको पता है कि इसका लाभ उन्हें मिलने वाला है।
ये वो बाकायदे सोची समझी, आजम खान को जेल में जाने से किसके लिए संदेश है इसमें, वो संदेश बहुत मायने रखता है। वो उमर खालिद को जेल में रखने से एक संदेश मिल रहा है देश को, वो दलितों में, आदिवासियों में जितने लोग लड़ने वाले थे उनको, किसी को नक्सली, किसी को अर्बन, कल को भाई आप हमें झूठे केस में फंसा दो, इस मुल्क के लोगों को एक संदेश मिल जाएगा कि मुल्क के निजाम के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, आप सवाल नहीं कर सकते। यह असली संदेश है, इस संदेश को ये सारे लोग फैला रहे हैं। और अब तो रील्स के जरिए कैसे कैसे, मतलब कल तो मैं ट्वीट देख रहा था, लखनऊ के कोई पुजारी साहब है, वो मंदिर में ही एक राइफल लेकर के उसी रील्स को दिखा, गोली चला रहे थे, गोलियां अब चारों तरफ चल रही हैं। गांधी के पुतले में लहू भर करके गोली मारने का एक दृश्य था, करोड़ों लोगों ने रील्स बनाकर उसे चलाया है इस देश में, करोड़ों करोड़ों नौजवान जिनको शिक्षा बर्बाद करके हम सजग और सचेत होने से पहले महरूम कर चुके हैं, वो महरूम है शिक्षा से, तो वो तर्क नहीं कर सकते। और जैसे ही आप ये फेक न्यूज और झूठ और ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एक उनका तो अमित शाह का तो बयान है कि गुजरात में जाकर वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का झगड़ा हो रहा था, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले ने कहा कि हमने तो 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप में एक शाम खबर चलवा दी कि अखिलेश ने मुलायम को एक थप्पड़ मारा, और बाद में हमने जब सफाई दी कह रहे नहीं नहीं ये तो झूठ खबर था, वो तो किसी के पास नहीं गई, लाखों लोगों तक वो मैसेज पहुंच गया। फिर हमेशा धीरे से कहते हैं लेकिन ये काम गलत है, ये तो वो चीज है ना कि मतलब कई बार अब क्या इस पे बोला जाए। मुझे लगता है मैं तो इस मुल्क के आवाम से बस उम्मीद रख रहा हूँ, कासिम साहब कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं है, अब हम लोग के पास क्या है, शेर जंगर का एक शेर है ना कि हौसलों में फकत उधार सही, वक्त ज्यादा ही होशियार सही, ना उम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। हम तो उम्मीद करते हैं, हम तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमें उम्मीद है न्यायपालिका से कि 4 जज अगर बाहर आए थे कि लोकतंत्र खत्म है 20 साल बाद हम कैसे आंख मिलाएंगे, मैं खोज रहा हूं कि उनके बाकी जजों का क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग, उनमें से कोई एक ऐसा तो नहीं था राम मंदिर के फैसले वाले में कोई था, मैं तो खोज रहा हूँ कोई कोई लोकसभा राज्यसभा में तो नहीं है ना, ये जनता पूछे ना भाई, जो जो कौन लोग हैं, कहाँ किनको अवार्ड मिल रहा है, आज आप फैसला सुनाओ कल आपको एक और चीजें मिल रही हैं। तो न्यायपालिका में संदेह बिल्कुल कायम है, जुडिशरी बिल्कुल, मीडिया वैसे ही है, सब कुछ केंद्रित हो रहा है मुल्क के निजाम से, और वो संदेश देने में कामयाब है। नफरत कौन फैला रहा है, कपड़ों से पहचानने वाली बात किसने बोली थी इस देश में, मैं तो बस बस याद कर रहा हूं, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अगर एक इशारा कर देना तो कोई दिल्ली में खड़ा होकर उनका मंत्री, सांसद, विधायक कभी नहीं कह सकता कि मुसलमानों का कोई सामान मत खरीदो, उसमें कुछ नहीं हुआ। आपने तो फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि संजय शर्मा जी ने इस देश के तमाम जजों और वकीलों का काम आसान कर दिया है, यहां से आंकड़े लीजिए और इस देश में खबर छापिए, और 4 PM में कल अखबार में जब छपेगी कि नफरती बयान इतने हैं, तो इस देश की जनता सवाल पूछे, वरना न्याय से भरोसा उठेगा और फिर यह देश की पीढ़ियों के लिए खराब होगा। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जेल में जाएगा भाई, बहुत लोग जेल में है, बहुत सारे लोग बिना किसी गुनाह के जेल में है, बहुत सारे लोग जो है चले जाएंगे जेल में, लेकिन इसका नुकसान बहुत, मतलब इस मुल्क की जमहूरियत को होगा, इस मुल्क के आईन को होगा, आने वाली पीढ़ियों।